भाजपा सरकार में बह रही विकास की गंगा। भाजपा नेता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। बहुत सी लाभकारी योजनाएं चल रही है जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से सीधे जनता लाभान्वित हो रही है। कानून व्यवस्था सख्त है जिसमें गुंडा माफिया डरे सहमे हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री माघवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने विकास के मामले में यूपी के नंबर वन पर कार्य किया है। यह एक ऐसे विधायक हैं, कई ऐतिहासिक मुद्दों को खत्म करने का काम किया है। वह चाहे अर्जुनपुर पुल का निर्माण कार्य हो या फिर नहर में पानी लाने का कार्य हो, सवायजपुर में अग्निशमन केंद्र व रूपापुर में इंडस्ट्रियल एरिया, सभी में अग्रदूत बनकर प्राथमिकता के साथ काम कराया है। सवायजपुर विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। भरकनी से जिला मुख्यालय तक रोडवेज बस के माध्यम से यात्रियों को सीधे जोड़ना एक ऐतिहासिक काम है। विजय बहादुर ने आगे कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर 2024 में विपक्षी चुनाव मैदान में आ सके। इस अवसर पर युवा मोर्चा के कई साथी मौजूद रहे।